20 में से पासिस के लिए वो टनल बनाते जी हैं वो टनल बनाते हैं। और पता है इंडिया की, इंडिया में जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट टनल है कौन सी है? मैम। यस मैम, नाम नहीं पता लेकिन न्यूज़ देख रही थी थोड़े दिनों पहले। हाँ अभी अटल रिसेंटली ही इनॉग्रेट हुई है। किसी और को पता हो, न्यूज सुनी हो? अटल टनल हाँ मैम, बिल्कुल सही, अटल टनल। ठीक है अभी इनॉग्रेट हुई थी। नोबेल। तो वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट टनल हमारी कंट्री में है, दैट इज अटल टनल। ठीक है तो बिल्कुल सही बोला विकास ने। एक ये देखो इमेजेस भी दिखा देते हैं हम लोग। बेसिकली क्या करते हैं, ये इमेज है अभी अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुई थी ना, पीएम मोदी ने ही करी है। दीज आर द इमेजेस ऑफ अटल टनल। ठीक है सर, अगर टनल्स की अगर हम बात करें तो टनल्स बेसिकली कहाँ पे कंस्ट्रक्ट होती है? जैसे इसने बोला पहाड़ को काट के, तो इट मीन्स बीच में क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन जब बीच में आ जाती है। और अगर हमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्पेशली जब हिली एरिया जहाँ पे हमें कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, ठीक है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होती है और हम रूट प्रॉपरली नहीं निकाल पाते हैं, तो हमें वहां पे क्या करना पड़ता है, पहाड़ों को काट कर बीच में से रास्ता निकालना रहता है। अब उसमें भी आप लोग देखोगे दो टाइप हमारे पास होती है, एक होती है ओपन कट्स और एक होती है टनल। ठीक है ओपन कट और टनल में क्या फर्क है? जो टनल है वो क्या होती है कि हम ब्लास्टिंग करके अंडरग्राउंड जो भी निकाल रहे हैं दैट इज टनल। ओपन कट क्या होती है कि हम कोई ट्रेंच बना रहे हैं, मतलब हम भी अगर कोई, मतलब मान लो कोई पहाड़ है, हम उसको बीच, उसको काट के बीच में से एक ओपन रास्ता निकाल रहे हैं दैट इज ओपन कट। ये तो जस्ट एक डिफरेंस के लिए बताया था। टनल्स में बेसिकली क्या होता है कि आप कोई जो एग्जिस्टिंग ऑब्स्ट्रक्शन है उसको अंडरग्राउंड बना रहे हो दैट इज टनल। ठीक है अब जरा स्टडी करते हैं कि बेसिकली देखो हमारे पास काफी सारे क्या होते हैं, एयरवेज हो गया, लैंडवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, ये थ्री जनरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है हमारे पास। ठीक है और जिनमें से आपको पता है जो कॉमनली यूज होता है वो कौन सा यूज होता है? लैंडवे यूज होता है। ठीक है क्योंकि काफी कन्वीनियंट होता है, एक्सेसिबल ज्यादा होता है, तो लैंडवेज काफी कन्वीनियंट होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं, जैसे कि रेलवे हो गया। ठीक है एंड जो हमारा नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रोड्स हो गए, ठीक है ये सारे लैंडवेज में आएंगे। एंड अगर बात करें हम इन, अब जब भी हम ये लैंडवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बीच में हमारे पास क्या आती है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती है। ठीक है ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं। कौन कौन सी ऑब्स्ट्रक्शंस? जैसे कि हिल्स, ठीक है हिल्स माउंटेन्स हो गया, ये ऑब्स्टेकल की तरह होते हैं। ठीक है तो अब हमें बीच में से रास्ता तो निकालना है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो इन हिल्स के अलोंग क्या करेंगे, स्टीपी स्लोप सरफेस रोड्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है या फिर ओपन कट प्रोवाइड कर देंगे या फिर टनल प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है एंड अगर बात करें मास, जहाँ पे कहीं पे स्टिल वाटर है, ठीक है या फिर कोई स्ट्रीम है, उस केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है बाय लेइंग डाउन अ सरफेस रोड पार्टली अराउंड द लेक, अगर मान लो कोई लेक है उसके आसपास सरफेस रोड उसके बाहर बाहर से, या फिर अगर मान लो कि हमें शॉर्टेस्ट रूट बिल्कुल रिवर के बीच में से मिल रहा है कि स्ट्रेट रूट मिल रहा है, तो उस केसेस में हम लोग क्या कर देते हैं कि हम लोग उस रिवर के अक्रॉस एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है या फिर क्या कर देते हैं, टनल्स बना देते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है तो ये क्या है, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं कि पानी फ्लो कर रिवर हो गया, कोई स्ट्रीम थी वहां पे या फिर वहां पे कोई हिल थी, तो ये ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अब हमें वहां से रास्ता निकालना है तो हम लोग वहां पे क्या प्रोवाइड कर देते हैं, ये सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है या फिर मार्शी लैंड, मार्शी लैंड जैसे मान लो जहाँ पे पानी रहता है या फिर छोटी छोटी हर्ब्स रहती हैं, ठीक है ऐसे एरिया में इट इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ लेवल रोड, बनानी मुश्किल होती है, तो उस केसेस में हम लोग या तो ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर देते हैं या फिर एम्बैंकमेंट बना देते हैं साइड्स पे, रोड्स की साइड्स पे, या फिर टनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये जो मार्शी लैंड हो गया, हिल हो गया, ये सारी ऑब्स्ट्रक्शन है। या फिर कहीं पे आपने देखा होगा जैसे अब दिल्ली देख, अगर आपने नॉर्मल देखा होगा कि कहीं पे जंक्शन वगैरह होते हैं, रोड जंक्शन, रेलवे जंक्शन, लेकिन हमें वहां से शॉर्टेस्ट रूट निकालना है तो हम उस केसेस में क्या बना सकते हैं, फ्लाईओवर, ब्रिजेस, टनल्स, उनके ऊपर से निकाल, रास्ता निकालने के लिए हम लोग ये टनल्स हो गया अंडरग्राउंड प्रोवाइड करते हैं या फिर ओवर ब्रिज बना देते हैं या फिर फ्लाईओवर बना देते हैं ताकि हमारा पर्पस सॉल्व हो जाए। ठीक है टनल्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, दिल्ली मेट्रो वाला। ठीक है दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल।
जो वहां पे आपने देखा होगा कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स, एक तो पहला क्या है वहां पे एरिया कम है, उन लोगों ने अंडरग्राउंड दिल्ली में आपने देखा होगा अंडरग्राउंड वो बना रखे हैं, स्टेशंस बने हुए हैं, मेट्रो स्टेशंस एंड प्रॉपर मेट्रो के रूट जो अंडरग्राउंड भी बने हुए हैं, तो वो मेट्रो बेस्ट एग्जाम्पल है टनल्स के लिए। ठीक है, आगे हम स्टडी करते हैं, इसमें हमें टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं टनल्स में, जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर, सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, नेसेसिटी ऑफ टनल क्या है, टिपिकल सेक्शन ऑफ टनल्स, ऐसा सेक्शंस ऑफ टनल में क्या आती हैं, जो हमारी शेप्स होती हैं टनल की, काफी सारी शेप्स होती हैं टनल की, टाइप्स भी अलग अलग होती हैं, उनको स्टडी करेंगे। ठीक है, देन सिंगल और डबल ब्रॉड गेज के हिसाब से, रेलवे ट्रैक के हिसाब से, कौन हमारी नेशनल हाईवे के हिसाब से कौन कौन सी टनल्स के क्या सेक्शंस है उसको स्टडी करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास जो आता है डेफिनेशन एंड नेसेसिटी ऑफ टनल्स। डेफिनेशन की बात करें तो क्या कह रहा है, टनल क्या है, टनल इज द अंडरग्राउंड आर्टिफिशियल पैसेज, इट इज नॉट अ नेचुरल पैसेज, आर्टिफिशियल पैसेज है ये, अंडरग्राउंड पैसेज है। ठीक है, जो ग्राउंड के बिल्कुल नीचे बनाया जाता है, विच इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट रिमूविंग और डिस्टर्बिंग द ग्राउंड सरफेस, बिना कि मतलब जो ग्राउंड सरफेस होता है हमारा, हम उसको रिमूव नहीं करते हैं, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, अंडरग्राउंड रास्ता निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टनल बोलते हैं। टनल की डेफिनेशन क्लियर है, टनल क्या है वो क्लियर है? यस मैम। अब ये आपकी टनल की इमेजेस हैं, ठीक है, इस तरह से जब हम लोग क्या कर देते हैं, पहाड़ वगैरह काट के बीच में से रास्ता बनाते हैं, जैसे ये एग्जांपल आप देख रहे हो, ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ पे टनल बनी हुई है, तो हम लोगों ने इसमें क्या है, मतलब बेसिकली क्या है कि जो आउटर वाला एरिया है, जो सरफेस है, टॉप सरफेस है, मतलब कोई भी पहाड़ वगैरह है, उसको हमने पूरा नहीं कट किया है, ठीक है, मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया, उसका ऊपर वाला सरफेस वैसे का वैसे रहने दिया है, लेकिन उसके बीच में से रास्ता निकाला है हम लोगों ने, दैट इज टनल। ठीक है, किसी के बीच में से इसमें से रास्ता निकाला है, उसका बाहर वाला सरफेस को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यूजेस ऑफ टनल्स क्या है। ठीक है, अच्छा ये भी देखें, जो टनल्स आर द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल गैलरीज। ठीक है, मतलब जो टनल्स होते हैं हमारे वो क्या है, आर्टिफिशियल गैलरीज होती हैं, पैसेज की तरह यूज होते हैं, कम्युनिकेशन रोड रूट्स की तरह यूज होते हैं। ठीक है, रोडवेज बीनीथ द ग्राउंड, कोई भी रोड अगर बीनीथ ग्राउंड कंस्ट्रक्ट कर रखी है, अंडर द बेड ऑफ फ्लोइंग वाटर, आपने देखा होगा आजकल बोलते हैं अंडर वाटर टनल्स भी बनती हैं। ठीक है, अंडर तो वहां पे मतलब बिल्कुल जो वाटर बेड होता है उसके वहां पे अंडरग्राउंड क्या बनी होती है, टनल्स बनी होती है। ठीक है, ये टाइप्स हैं कुछ टनल्स की, एंड अगर यूजेस की बात करें टनल्स की तो क्या क्या यूजेस हैं, दे आर यूज्ड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेन मटेरियल एंड गुड्स, जो मेन मटेरियल एंड गुड्स हमारे कम्युनिकेशन रूट्स के लिए यूज होता है। ठीक है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है। देन टनल्स जो होते हैं, हाइड्रो पावर टनल्स भी होती हैं, आर यूज्ड फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर टू जनरेट पावर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करने के लिए हाइड्रो पावर प्लांट्स के वहां पे जो टनल्स प्रोवाइड होती है उनको हम हाइड्रो पावर टनल्स कह देते हैं। टनल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर कैरिंग ऑयल गैस एंड सीवेज एटसेट्रा, आपको जो हमारा सीवेज वगैरह कैरी होता है, ठीक है, वो भी एक टाइप ऑफ टनल है, वहां पे हम सर्कुलर प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, या फिर ऑयल वगैरह जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उनको कैरी करने के लिए ऑयल गैस वगैरह जो पाइपलाइन, वो भी एक सॉर्ट ऑफ क्या है, टनल्स होती हैं। ठीक है, फ्रॉम शॉर्ट डिस्टेंस टू अ लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है, टनल्स कैन बी यूज्ड एज स्पेस फॉर अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस व्हिच कैन बी डिजायरेबल ड्यू टू स्ट्रेटेजिक और अदर स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है, अगर कुछ कई बार अंडरग्राउंड इंस्टॉलेशंस वगैरह के लिए भी यूज होती हैं, ठीक है, एंड या फिर कुछ हमारी कई बार मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज होती है, कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका सामान वगैरह कैरी करने के लिए जो अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जाती है, वो भी एक टनल का यूज है। ठीक है, टनल्स आर ड्रिवन टू प्रोवाइड ईजी अप्रोच टू माइंस, जो माइंस होती हैं वहां पे उनको अप्रोच करने के लिए भी टनल्स बनाई जाती हैं, या फिर कोई और स्ट्रक्चर को अप्रोच करने के लिए भी अंडरग्राउंड टनल्स को बनाया जाता है। तो ये बेसिक यूजेज हैं हमारे पास टनल्स के।
अब अगर बात करें नेसेसिटी की, नेसेसिटी क्या है टनल्स की, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, जरूरत क्या है हमें, सबसे पहले टू अचीव इकोनॉमी इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड. हमें इकोनॉमी अचीव करनी है कि हमारा जो जो रोड कंस्ट्रक्शन है या फिर कोई रेलवे प्रोजेक्ट है इकोनॉमिकली वहां पे बिल्ट हो जाए, हम वहां पे टनल्स प्रोवाइड कर देते हैं. प्रोविजन ऑफ टनल्स देयरफॉर बिकम नेसेसरी, देयरफॉर नेसेसिटी ऑफ टनल्स अराइजेस फॉर द फॉलोइंग रीजन. ये नीचे सारे रीजन है. सबसे पहला टू अवॉइड होल्डिंग अप ऑफ ट्रैफिक फॉर लॉन्ग पीरियड. दिल्ली का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है. देखो ट्रैफिक इंक्रीज हुआ, ठीक है, वहां पे ज्यादा कंजेशन होने लग गया ट्रैफिक का, रैपिड ट्रांसफर मतलब ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं हो रही थी, तो बड़ी सिटीज में स्पेशली क्या किया जाता है, टनल्स बना के, मतलब जैसे मेट्रो का एग्जाम्पल हो गया, अंडरग्राउंड टनल बना के मेट्रो बनाया रखी है ताकि क्या हो जाए, ट्रैफिक डिवाइड हो गया, आधा ट्रैफिक आधे लोग बाय मेट्रो ट्रैवल करते हैं, आधे बाय रोड ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो अंडरग्राउंड वहां पे टनल्स प्रोवाइड कर दी गई ताकि ट्रैफिक कंजेशन, मतलब जो इतना ज्यादा ट्रैफिक है वो क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कम हो जाए, सड़कों पे कंजेशन कम हो जाए. सेकंड क्या नेसेसिटी है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज, जहां पे हमारे पास एरिया अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, एंड डिफिकल्ट है वहां पे ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना फॉर कैरिंग रोड और रेलवे ट्रैफिक अक्रॉस द रिवर और टनल, या फिर किसी रिवर के अक्रॉस वहां पे डिफिकल्ट है हमारे लिए ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्ट करना या फिर किसी रिवर के अक्रॉस, तो हम लोग वहां पे कन्वीनियंटली क्या कर देते हैं, टनल्स प्रोवाइड करते हैं अंडरग्राउंड, ठीक है. देन थर्ड पॉइंट, व्हेन द सर्फेस रूट ऑफ रेलवे ट्रैक और रोड फॉर रीचिंग द अदर साइड ऑफ माउंटेन इज मच लॉन्गर, ठीक है, जो अगर सर्फेस रूट है जो मतलब बाय माउंटेन्स अगर हम बोले कि रूट जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफी लॉन्गर है और हमें शॉर्ट डिस्टेंस प्रोवाइड, लॉन्गर डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है, टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा है, तो अगर हमें शॉर्टेस्ट रूट मिल रहा है किसी माउंटेन के को बीच में से क्रॉस करके, ठीक है, या फिर किसी हिल को बीच में से क्रॉस करके, तो वेरी कॉस्टली प्रोसेस. लेकिन एक लंबा रास्ता तो हम वहां पे फायदा देखते हैं, लंबा रास्ता अगर देखोगे तो उसमें क्या होगा, लोगों का ट्रैवलिंग टाइम बढ़ेगा, लेकिन हमें वो ट्रैवलिंग टाइम भी कम करना है और जो लॉन्गर रूट भी अगर आप बनाओगे, ठीक है, उसमें भी पैसा ज्यादा लगेगा, तो इंस्टेड इन दो चीजों को पॉप अप करने के लिए हमें शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करना रहता है, तो हम लोग बीच में क्या करते हैं, टनल्स प्रोवाइड करके एक स्ट्रेट रूट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट, स्ट्रेट एंड शॉर्टेस्ट रूट जो दो जगह के बीच में, जैसे अभी अटल टनल की बात करी, इसने ओवरऑल मतलब अप्रॉक्स 3 to 6 hours का डिस्टेंस कम किया है. जो लोग पहले जाते होते थे ना मनाली टू स्पीति जाते होते थे, वो डिस्टेंस बिल्कुल कम हुआ है, बिल्कुल एक ये टनल की वजह से अप्रॉक्स आपके 3 to 6 hours सेव हो जाते हैं, एंड ये डिस्टेंस भी इसने रिड्यूस किया है, ठीक है. देन फोर्थ पॉइंट क्या है, व्हेन टू टर्मिनल स्टेशन सेपरेटेड बाय अ माउंटेन आर टू बी कनेक्टेड बाय द शॉर्टेस्ट रूट. अभी आपको यही बताया था कि अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट से कनेक्ट करना है दो टर्मिनल स्टेशन को, तब भी हम बीच में क्या प्रोवाइड कर देते हैं, अगर बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जैसे कि माउंटेन, तो प्रोवाइड कर देते हैं, टनल प्रोवाइड करते हैं. या फिर एक मैंने आपको बोला था कि एक तो टनल होती है और दूसरे ओपन कट होते हैं. ओपन कट बेसिकली क्या होते हैं, जो आप कोई भी ट्रेंच को एक्सकवेट करके जो रास्ता बनाते हो ना, यहाँ पे मैंने ओपन कट की डेफिनेशन भी लिखी है, टनल्स कंस्ट्रक्टेड बाय एक्सकवेटिंग अ ट्रेंच फ्रॉम द सरफेस एंड बिल्डिंग द स्ट्रक्चर विद इन द ट्रेंच. कहने का मतलब कि मान लो अगर ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से बीच में से रास्ता निकालना है, तो अगर कोई मटेरियल थोड़ा सा सॉफ्ट है जहाँ पे हम वर्क कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये बीच वाला जितना भी मटीरियल है उसको बाहर निकाल के फिर रास्ता बीच में से बनाते हैं. टनल क्या है, टनल इंस्टेड इस माउंटेन के बीच में से सिर्फ एक रास्ता बनाते हैं, ऊपर वाला जो सरफेस है हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बीच में से रास्ता निकालते हैं. तो अभी क्या कह रहा है कि और कहाँ पे हम लोगों को टनल प्रोवाइड करनी चाहिए, व्हेन द डेप्थ ऑफ ओपन कट, मतलब ये जो आप मटेरियल एक्सकवेट करते हो यहाँ से ट्रेंच में से, अगर उसकी डेप्थ 20 मीटर से ज्यादा है और वो काफी कॉस्टली हो जाता है कंस्ट्रक्ट करना, तो उस केसेस में अभी हम लोग क्या प्रोवाइड कर देते हैं, टनल्स प्रोवाइड करते हैं. नेसेसिटीज के टॉपिक्स पॉइंट्स क्लियर है. और भी पॉइंट है वो भी डिस्कस करते हैं. व्हेन द कॉस्ट ऑफ लैंड इक्विजिशन फॉर अ रेलवे और रोड प्रोजेक्ट बिकम्स टू हाई,
जब हमें रेलवे या फिर रोड प्रोवाइड करने के लिए लैंड एक्वायर करने के लिए जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है, तब हम क्या कर देते हैं, टनल्स प्रोवाइड कर देते हैं अंडरग्राउंड या फिर इधर जहाँ पे भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, नॉर्मल रेलवे और रोड रूट प्रोवाइड करने की कॉस्ट बढ़ जाती है तो हम बीच में से टनल्स प्रोवाइड कर देते हैं. व्हेन द रूट ऑफ रेलवे ट्रैक और अ रोड एट हाई ऑल्टीट्यूड इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्लॉकेज फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल tunnels becomes a necessity. जहाँ पे काफी high altitude roads या फिर railway track provide करने होते हैं वहाँ पर भी हम blockage वगैरह ना हो उस cases में भी हम लोग क्या provide करते हैं, tunnels provide करते हैं. When conduction of water for the power generation is required, जहाँ पे हमें मतलब hydro power plants में water को carry करना है, conduct करना है electricity generate करने के लिए, तो पानी को carry करना रहेगा ना, वहाँ पर भी हम लोग क्या पानी को carry करने के लिए, conduct करने के लिए हम लोग क्या provide कर देते हैं, tunnels. Again और कौन सी necessity? आपने देखा होगा कि वाटर पाइपलाइंस होती हैं, गैस पाइपलाइंस होती हैं, तो ये टनल फॉर्म में वहां पे इनको इन एमिनिटीज को एक जगह से दूसरी जगह इन पहुंचाने के लिए जो टनल्स बनाई जाती हैं, अंडरग्राउंड बनाई जाती हैं, पाइपलाइंस बिछाई जाती है, वो भी एक टाइप की टनल्स होती है. ठीक है, वाटर ऑयल एंड गैस इन सबको क्या करते हैं, जब हमें कैरी करना होता है तो वो भी टनल्स के थ्रू किया जाता है. When transportation system of strategic importance is to be kept safe, confidential, tunnels become a necessity. यहाँ पे strategic point of view से कैसे बोल रहे हैं, in keeping in जैसे कोई अगर मान लो कोई defence वगैरह के लिए, military वगैरह के लिए कोई special tunnels बनाई जाती हैं ताकि उनका सामान उस tunnel के through पहुँचाया जाए, तो वो भी एक strategic point of view से important हो जाता है tunnel को provide करना. तो ये basic हमारी necessities हैं कि हम tunnels क्यों provide करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन स्टडी करते हैं, टनल्स के फंक्शन कैसे. वैसे लगभग अभी नेसेसिटी और यूजेस को देख के समझ ही आ जाता है कि टनल्स का फंक्शन क्या है, तो भी लेकिन फिर भी पॉइंट वाइज उसको देखते हैं. टनल रिड्यूस द डिस्टेंस इन हिली एरिया. अभी आपको बताया था कि जैसे एग्जांपल मैंने आपको अटल टनल का ही दिया कि मनाली और स्पीति के बीच का डिस्टेंस को कम करने के लिए टनल को बनाया गया था, डिस्टेंस बिल्कुल रिड्यूस कर दिया गया है. आप पढ़ोगे तो पहले डिस्टेंस ज्यादा था, अब जो टनल के थ्रू डिस्टेंस बनाया इन दो जगह को जोड़ने के लिए वो डिस्टेंस कम है. तो हम जब डिस्टेंस रिड्यूस करना होता है हिली एरिया में, क्योंकि आपको पता है कि हिली एरिया में क्या होता है, जैसे माउंटेन्स होते हैं तो स्पाइरल डिस्टेंस होते हैं, मतलब हम जो रोड बनी होती है इनके अलोंग इनके आसपास बनी हुई होती है, लेकिन जब डिस्टेंस को रिड्यूस करना है तो हम क्या करते हैं, इस माउंटेन के बीच में से स्ट्रेट रास्ता प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं. तो क्या हो जाता है, हम डिस्टेंस रिड्यूस कर रहे हैं, तो मैं एक पहला फंक्शन तो यही हो गया डिस्टेंस रिड्यूस करने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं. सेकंड, अंडर वाटर टनल्स प्रूव टू बी इकोनॉमिकल एंड बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओवर वेयर ब्रिज कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट. जहां पे ब्रिज कंस्ट्रक्शन काफी डिफिकल्ट होती है वहां पे जो अंडर वाटर टनल कंस्ट्रक्शन होती है वो ज्यादा इकोनॉमिकल होती है. एक ये फंक्शन हो गया. इन सिटीज टनल रिड्यूस द ट्रैफिक कंजेशन. आपको भी दिल्ली का एग्जांपल दिया, तो वहां पे क्या होता है टनल्स के जो भी मतलब जैसे मेट्रो प्रोवाइड करी तो मेट्रो की वजह से क्या हुआ, जो ऑन रोड ट्रैफिक था वो कम हो गया, ज्यादा लोग मेट्रो प्रेफर करते हैं, तो ट्रैफिक कंजेशन जो ट्रैफिक है वो कम हो गया. ठीक है, तो रैपिड ट्रांसपोर्टेशन जो पहले ज्यादा जाम लगते थे वो थोड़े अब कम लगते हैं, बिकॉज आधा ट्रैफिक बाय मेट्रो ट्रैवल करता है आधा ऑन रोड करता है. देन फोर्थ, टनल अवॉइड द ट्रैफिक हजार्ड्स फ्रॉम लैंडस्लाइड, स्नोफॉल्स एंड अदर नेचुरल कैलामिटीज इन हाई एल्टीट्यूड एरिया. अब इसको ध्यान से समझे, जब आप ये देखते हो माउंटेन के बीच में से रास्ता टनल्स प्रोवाइड करी गई है, टनल्स हमेशा ऊपर से क्या होती है, कवर्ड होती है. हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, वहां पे स्नोफॉल होती है, लैंडस्लाइड होती है. ठीक है, मतलब ये सारी चीजें होती हैं, तो जो जो ऊपर से कवर होती हैं टनल्स, तो जो आपका रास्ता जो एक्चुअल में ब्लॉक होता है या फिर जो भी ट्रैफिक हजार्ड्स वगैरह होते हैं या फिर कोई भी एक्सीडेंट वगैरह ड्यू टू लैंडस्लाइड होता है, स्नोफॉल होता है या कोई भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो ये जो टनल्स ऊपर से कवर्ड होती है ये उसको प्रोटेक्ट करती है. तो टनल्स का एक फंक्शन ये भी हो गया. देन इन डेंस पॉपुलेटेड सिटीज वेयर लैंड एक्वाइजिशन इज अ प्रॉब्लम. जहाँ पे ऑलरेडी काफी पॉपुलेटेड सिटीज हैं और वहाँ पे लैंड एक्वायर करना एक प्रॉब्लम है, मतलब एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर ऑलरेडी स्ट्रक्चर बने हुए हैं. ठीक है, ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है वो लैंड, तो हमें वहां पे रास्ता तो चाहिए ना, हमें वहां पे जगह भी चाहिए, तो उस केसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, टनल प्रोवाइड करते हैं और ट्रैफिक को मूव करने के लिए रास्ता प्रोवाइड करते हैं. अगेन एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है. ठीक है,
Then tunnels provide safe passage for transportation at places of strategic importance. Again, अभी जैसे मिलिट्री पर्पस के लिए बताया, जहाँ पे स्पेशली जैसे बॉर्डर एरिया हो गए, हमें वहाँ पे अपने इक्विपमेंट्स वगैरह पहुँचाने रहते हैं, ठीक है, तो उस केसेस में भी टनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि सेफली हमारा जो सामान है वहाँ पहुँचाया जा सके. टनल्स आर सेफ फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर कैरिंग ऑयल गैस वाटर एंड अदर सच कमोडिटीज. ये भी अगेन एक फंक्शन, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. फंक्शंस क्लियर है? तो अगर तुम्हें क्वेश्चन ना आता है पेपर में कि व्हाट आर द फंक्शंस एंड द नेसेसिटी, आई होप आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो. यस मैम. यस मैम. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टनल इन्वेस्टिगेशन. वैसे ये टॉपिक है नहीं है, लेकिन फिर भी एक बताना चाहती हूँ कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस कैसे बिगेन होता है, इसलिए पता होना चाहिए, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी एक बार इसको डिस्कस कर रहे हैं, नेवर नो पूछ लिया जाए तो, ठीक है. तो टनल इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखो, जब भी हमें टनल कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, तो हमें उसका एरिया जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्ट करनी है वहां का एरिया कैसा है, एंड फर्दर जब हमें कंस्ट्रक्शन कर, सॉरी बच्चे, हाँ जी, टनल इन्वेस्टिगेशन जो है, मतलब जहाँ पे हमें टनल कंस्ट्रक्ट करनी है बेसिकली, तो कंस्ट्रक्ट करने का वे कैसा है, ठीक है, उस एरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, हमें टनल किस तरह की प्रोवाइड करनी है वो आइडिया होना चाहिए, ठीक है, एंड अलाइनमेंट ऑफ टनल, इन सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए, और टनल प्रोसीड कैसे करते हैं, वहां पे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, अब वो एक बार इसमें देखते हैं क्या है टनल इन्वेस्टिगेशन. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ अ टनल इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर प्लेस. जहाँ पे हमें टनल कंस्ट्रक्ट करनी है हमें उस प्लेस का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, हमें उस प्लेस की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, उसको प्रॉपर हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे लैंड कैसा है, उसके बारे में बेसिक डाटा हमारे पास होना चाहिए. बेसिकली जियोलॉजिकल सर्वे की बात कर रहा है कि वहाँ पे जियोलॉजी कैसी है, वो सारा आइडिया हमें होना चाहिए. एंड रूट एट विच टनल इज टू बी मेड, बेसिकली उसका सारा हमें एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है. दिस इज कॉल्ड टनल इन्वेस्टिगेशन. जो भी वहां पे प्रॉपर प्लेस का आइडिया, रूट का आइडिया, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टनल इन्वेस्टिगेशन बोल देते हैं. एंड इट इज कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट फॉर द फैक्ट दैट इन केस ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इफ अनरिमूवेबल ऑब्स्टेकल्स केम इट विल बी वेस्टेज ऑफ मनी एंड मैन पावर. अगर हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं टनल्स की और हमने आधा काम शुरू कर दिया और काम करने के बाद हमें पता चलता है बीच में कुछ ऐसा चीज आ जाती है जो कि अनरिमूवेबल है, कोई ऑब्स्टेकल ऐसा आता है जो कि अनरिमूवेबल है, तो उस केस में जितना पैसा या फिर जितना मैन पावर लगी वो सारी वेस्ट हो जाएगी. तो इसीलिए हमने पहले ही जहाँ से हमें टनल निकालनी है, जहाँ से हमें टनल बनानी है, हमें पहले ही उस जगह का प्रॉपर आइडिया होना चाहिए, उस प्लेस का, उस वहाँ पे जो रूट हम निकाल रहे हैं उसका ऑलरेडी हमें कंस्ट्रक्शन करने से पहले ही प्रॉपर आइडिया होना चाहिए. तो इससे पहले अपना वर्क, जब भी हमें अपना काम टनल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, टनल इन्वेस्टिगेशन करनी बहुत जरूरी है. तो टनल इन्वेस्टिगेशन में हमारे तीन पॉइंट्स आते हैं, पहला जियोलॉजिकल सर्वे, दूसरा अलाइनमेंट ऑफ टनल, ठीक है, एंड थर्ड क्या है, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ टनल्स, कि कौन सी टाइप की टनल हमें प्रोवाइड करनी है डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का, किस पर्पज के लिए उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है. तो जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो जैसे कि हमने ब्रिज में भी स्टडी किया था कौन कौन सी चीजों का हमें आइडिया होना चाहिए, तो अगेन जियोलॉजिकल सर्वे, कोई बताएगा क्या होता है जियोलॉजिकल सर्वे? सर्वे में भी पढ़ के आए हो और ब्रिज में भी हमने डिस्कस किया था, तो अभी आप ही खुद ही बताइए क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है जियोलॉजिकल सर्वे में, बताइए. बताओ बच्चे. मैप स्टडी करते हैं, कंटूर लाइंस वगैरह चेक करते हैं. बिल्कुल सही, ठीक है. तो जियोलॉजिकल सर्वे में क्या होता है, जो बेसिकली किस तरह का स्ट्राटा है, किस तरह का एरिया है, मिट्टी कैसी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, विच टाइप ऑफ टनल हैज बीन प्लान्ड, किस तरह की टनल हमें बनानी है, पर्पस क्या है, उसका आइडिया तो होना चाहिए, लेकिन ये भी पता चाहिए कि वहाँ का नेचर कैसा है, मिट्टी का जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी है, स्ट्राटा कैसा है हमारा, वहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड रिवर्स, फॉल्ट प्लेन्स या फिर रॉक
उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि हम हिली एरिया को डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर जब भी टनल्स अगर हिली एरिया में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो वहाँ का आइडिया होना चाहिए, हमारे पास वहाँ के मैप्स होने चाहिए, उन मैप्स का प्रॉपर स्टडी करना होना चाहिए, हम इसके लिए इस पर्पस के लिए हमारे पास काफी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे के लिए यूटिलाइज होते हैं, उन सबका यूज करके हम ये सारा डाटा क्या करते हैं अटेन करते हैं रिगार्डिंग फॉल्ट या फिर रिगार्डिंग अंडरग्राउंड वाटर, ये सारी चीजों का हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है. Then geological survey prepare us to anticipate problems. Geological survey इसकी study से ही हमें problems जो भी आगे आ सकती हैं tunnel construction में उसका idea मिल जाता है, तो इसलिए geological survey जो है काफ़ी important है. Then next जो important point है जो मैं आपको basically समझाना चाहती थी, that is अलाइनमेंट ऑफ टनल एंड अलाइड कंस्ट्रक्शन. देखो टनल जब भी कंस्ट्रक्ट करनी है तो किस वे से टनल कंस्ट्रक्ट होती है, सेंटर लाइन टनल की कैसे ट्रांसफर की जाती है वो इस डायग्राम के थ्रू समझो, ठीक है. जैसे मान लो ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये पूरी क्या थी, ऑब्स्ट्रक्शन थी, ठीक है, ये बिल्कुल एकदम ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया था. तो जब आपको टनल कंस्ट्रक्ट करनी है तो आप क्या करते हो, जो आपका ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया है ना वहाँ पे आप पहले क्या करते हो, वर्टिकल शाफ्ट बनाते हो, ठीक है, वर्टिकल शाफ्ट कंस्ट्रक्ट करते हो और एक तरफ से आप लोग यहाँ पे वर्क करना शुरू करते हो, यहाँ पे टनल का एक फेस बनाते हो, यहाँ से काम करना शुरू करते हो एक सर्टेन और एक दूसरे एंड से, दो एंड मान लो ये है तो एक इस एंड से काम शुरू होगा, एक इस एंड से काम शुरू हुआ है, यहाँ पे हल्का सा आप वर्क करते हो, यहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट बनाते हो, ठीक है, एंड इन वर्टिकल शाफ्ट के थ्रू क्या करते हो, एक जैसे एक मिनट रुकूंगा यहाँ पे इस टाइप, ये वर्टिकल शाफ्ट्स बनाते हो, ये वर्टिकल शाफ्ट और ये जो दिख रहे हो, इन्होंने इसको ये चीज को यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया है, ठीक है. अब वर्टिकल शाफ्ट बनाई उस यहाँ से वर्टिकल, ठीक है, और यहाँ से ये हमारी मेन टनल यहाँ से है, तो एक वर्किंग फेस इधर है, एक यहाँ से काम शुरू होगा और एक दूसरे एंड से काम चल रहा होगा. तो अब क्या करते हो, ये आप यहाँ पे क्या कर देते हो, स्ट्रॉन्ग स्टील वायर रेस्टिंग सेंटर लाइन ऑफ सरफेस, यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, स्ट्रॉन्ग स्टील वायर बीच में लगाते हो यहाँ पे सपोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, इसके बीच में, और यहाँ से प्लम बॉब हैंग करते हो, प्लम बॉब हैंग करते हो, तो जो आपने सरफेस के ऊपर सेंटर लाइन बनाई होती है ना, इस प्लम बॉब के थ्रू आप यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन बनाते हुए चलते हो, इस प्लम बॉब के थ्रू यहाँ पे सेंटर लाइन मार्क करते हो, इस जगह से काम करना शुरू किया होता है, देन जो भी आपको यहाँ पे ट्रांजिट थियोडोलाइट लगा यहाँ पे प्लेस करके ये देखो ये वर्टिकल शाफ्ट की बेसिकली क्या क्या देखो, इस वर्टिकल आप जब टनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हो बीच में लाइटिंग तो चाहिए ना, विदाउट प्रोवाइड करते हैं जब काम चल रहा है, लाइटिंग भी प्रोवाइड होती है जो भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए होता है, लाइटिंग चाहिए, वेंटिलेशन भी चाहिए काम करने के, तो वर्टिकल शाफ्ट पहले बनाते हैं, यहाँ पे इन दो एंड से काम चल रहा होता है, यहाँ से प्लम बॉब हैंग करके जो सेंटर लाइन सरफेस के ऊपर होती है उस सेंटर लाइन को हम इस टनल के ग्राउंड पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और ये जो दो प्लम बॉब होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 3 मीटर होता है, कितना होता है 3 मीटर, ठीक है, तो ये बीच में थियोडोलाइट लगा होता है, तो इस यहाँ पे जो आपका सेंटर लाइन आपने बनाई है तो थियोडोलाइट ट्रांजिट थियोडोलाइट की मदद से आप अपना सर्वेइंग करते हुए उस लाइन को सेंटर लाइन को आगे ट्रांसमिट करते हुए चलते हो, मतलब अगर यहाँ पे जो सरफेस लाइन से सेंटर लाइन सबसे पहले सरफेस लाइन के ऊपर बनाई जाती है, देन वर्टिकल शाफ्ट वहां पे बनाई जाती है, एक इस एंड से काम हो रहा होता है, एक इस एंड से काम हो रहा होता है, देन यहाँ पे आप लोग प्लम बॉब की मदद से सेंटर लाइन ट्रांसफर करते हो, फिर यहाँ पे अंदर कंस्ट्रक्शन करी जाती है, ठीक है, देन थियोडोलाइट की मदद से सर्वे करते हो आप जो इस एरिया में, यहाँ पे भी सेंटर लाइन ट्रांसफर करते हुए जाते हो, सिमिलरली आगे यहाँ पे काम चल रहा होता है, ठीक है, तो इस तरह से इसमें काम होता है. मेन काम क्या है, वर्टिकल जो सेंटर लाइन ऊपर सरफेस पे बनाई होती है उसको हम ग्राउंड पे ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल शाफ्ट, और सेंटर लाइन को वहां पे ट्रांसफर करते हैं नीचे ऑन ग्राउंड जो एक्चुअल टनल की होती है, ठीक है. अब एक बार इसको स्टडी करते हैं क्या समझाना चाह रहा है. जनरली अ टनल फॉलो स्ट्रेट अलाइनमेंट पाथ फॉर कनेक्टिंग टू गिवन पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जोड़ने के लिए एक स्ट्रेट रूट बीच में बनाया जा रहा है, अंटिल देयर कम्स अ डिफिकल्ट टनलिंग जोन इन बिटवीन देम.
इन केस इट इज इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉलो स्ट्रेट पाथ, जहां कहीं पे स्ट्रेट पाथ नहीं पॉसिबल होता, कर्व्स आर इंट्रोड्यूस्ड. तो ऐसा नहीं है कि जो हमारी टनल है बिल्कुल स्ट्रेट हो, जहां कहीं पे स्ट्रेट पाथ नहीं बन सकता है तो हम टनल को कर्व भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, द रूट सर्वे इज डन विद प्रिसीजन, जो उस रूट के ऊपर प्रॉपर सर्वे किया जाता है काफी प्रिसाइज वे में. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूटिलाइज करके. इन केस ग्राउंड टू बी टनल्ड इज एक्सेसिबल फ्रॉम सरफेस, अगर जैसे ये वाला एग्जांपल, अगर जो ग्राउंड हमने टनलिंग करनी है, जो उसका ये वाला सरफेस, टॉप वाला सरफेस अगर एक्सेसिबल होता है, ऊपर वाला सरफेस अगर एक्सेसिबल होता है, मतलब हम उस पर अगर काम कर सकते हैं, तो इट इज पॉसिबल टू सेट द सेंटर लाइन ऑफ द टनल ऑन द सरफेस. जैसे मैंने ये एग्जाम्पल अभी बताया, तो उस केस में क्या होता है, जहां पे जो इसका सरफेस होता है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, जहां पे जिसके अंदर हम लोगों ने क्या बनानी है, टनल बनानी है, तो हम उसके सरफेस के ऊपर सेंटर लाइन बना देते हैं. सेंटर लाइन तो समझते हो, ठीक है, रूट की जो सेंटर लाइन है सरफेस के ऊपर लगा देते हो, बना देते हो, मतलब प्रॉपर सर्वेइंग करके सेंटर लाइन हमने उस रूट सरफेस के ऊपर बना दी जहां पे हमने टनल कंस्ट्रक्ट करनी है. और जो ये वाला मेथड मैं बता रही हूँ, जो सरफेस वाला सबसे सिंपलेस्ट और इजी मेथड होता है टनल को नीचे ड्राइव करने का. नेक्स्ट क्या कह रहा है, टनल ड्राइविंग इज डन बाय डिगिंग वर्टिकल शाफ्ट अलोंग द पाथ ऑफ टनल. जो ये रास्ता है जो हमने सरफेस के ऊपर बनाया, अब इस रास्ते के अलोंग यहाँ पे वर्टिकल शाफ्ट को बना दिया जाता है, इनको डिग किया जाता है. दीज वर्टिकल शाफ्ट एक्स्ट्रा क्या होता है, यहाँ से काम करना शुरू हुआ इस स्पेस पे, एक यहाँ से काम करना शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्पेस बन गई. तो अब लेबर हमारी यहाँ से भी, इस एंड से भी काम कर सकती है और इस एंड से भी काम कर सकती है. तो मतलब वर्किंग जो फेसेस हैं वो बढ़ गए, एंड प्लस वर्टिकल शाफ्ट की वजह से ही यहाँ पे वेंटिलेशन भी पॉसिबल होती है प्रॉपर, मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन भी नीचे जो वर्कर्स काम कर. ये पॉइंट क्लियर है, क्या समझाना चाह रही थी, नहीं क्लियर तो पूछ सकते हो. ये सिर्फ एक ये वो बताने के लिए था कि अगर सरफेस, जो ऊपर वाला सरफेस है जिसके नीचे हमने टनल बनानी है, अगर वो एक्सेसिबल है, जहां पे हम रीच कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सरफेस के ऊपर सेंटर लाइन बनाते हैं, देन वर्टिकल शाफ्ट की मदद से हम उस सेंटर लाइन को अंडरग्राउंड, जो हमारा रास्ता होता है वहां तक पहुंचाते हैं. नेक्स्ट, सेंटर लाइन फ्रॉम द सर्फेस टू द इन साइड ऑफ द टनल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज ट्रांसफर्ड. जो अभी ये जो सर्फेस से वर्टिकल शाफ्ट की मदद से, अभी जैसे बताया था ना, प्लम्बॉब को उस स्टील वायर से हैंग करके हम सेंटर लाइन क्या कर देते हैं, ग्राउंड में ट्रांसफर कर देते हैं. ठीक है, मतलब ग्राउंड में वो पूरा रूट, मतलब उसका मार्किंग मिल जाती है ना प्लम्बॉब की मदद से. ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता दिया कि प्लम्बॉब जो है हमारे 3 मीटर एक दूसरे से दूर होते हैं, बस यही इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, जो मैंने आपको पहले डायग्राम के थ्रू समझा रखा है वही इन्होंने रिटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है. नेक्स्ट, अगर सिलेक्शन टनल टाइप, ये देखो ये डिपेंड करेगा किस तरह का हमें पर्पस, किस पर्पस के लिए हमें यूज करना है, और ये जियोग्राफिकल सर्वे पे भी डिपेंड करेगा, जो हमें टनल टाइप किस तरह की प्रोवाइड करनी है, उस टनल का फंक्शन क्या है, किस पर्पस के लिए, क्या कैरी करने के लिए. तो ये इन सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, टनल का सिलेक्शन डिसाइड करते हैं. नेक्स्ट, अगर बात करें क्लासिफिकेशन और टनल की, क्लासिफिकेशन की जो बात करते हैं जब हम, तो हमारे पास रेलवे टनल होती है, नाम से ही क्लियर है, जिसमें से हम लोग क्या कैरी करते हैं, रेलवे रूट अगर जा रहा होगा बीच में से टनल में से, तो रेलवे टनल हो गई. हाईवे टनल जो होती है, विच कैरी व्हीकल, जिसमें से फर्स्ट व्हीकल कैरी करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारी हाईवे टनल हो गई. वाटर टनल जो मैंने आपको बताया था, हाइड्रो पर्पज के लिए या फिर नेविगेशन पर्पज के लिए वाटर टनल जो हमारी यूज होती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने, पानी को कैरी करने के लिए जो टनल यूज होती है, वो हमारी क्या होती है, वाटर टनल होती है. वाटर टनल किसी ने देखी है, इस तरह की इमेज ये दिख रही है, देख रहे हो, इस ये टनल बनी हुई है, तो इसके बीच में से पानी जा रहा है, तो दिस इज अ वाटर टनल. कई जगह में ये इसमें से, मतलब शिप्स वगैरह के नेविगेशन पर्पस के लिए भी बनी हुई होती है एक रास्ता, जैसे कि ये इसमें से बीच में से शिप निकल रही है छोटी सी, ठीक है, तो ये नेविगेशन पर्पस के, तो दिस इज अ नेविगेशन टनल. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्पस इनके नाम ये वाले हैं, रेलवे टनल, हाईवे टनल, वाटर टनल, और भी काफी फंक्शंस है, जैसे कि सीवेज के लिए है, अगर सीवेज वेस्ट वगैरह कैरी करने के लिए जो टनल बनी है, दैट इज सीवेज टनल. पेडेस्ट्रियन टनल,
पेडेस्ट्रियल टनल किसी ने देखी है? जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा कि स्पेशली जब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि ये अगर रोड है, ठीक है, एक तो फुटब्रिज होते हैं एक आपके, कई जगह में आपने देखा होगा कि अंडरग्राउंड पैसेज बना होता है कि स्टेयर्स नीचे जा रही होती है अंडरग्राउंड, इस अगर ये ऊपर रोड है तो बीच में से क्रॉसिंग के लिए अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियल टनल बनी थी और ऊपर से दूसरी साइड से स्टेयर्स अंडरग्राउंड से बाहर आ रही होती है, अंडरग्राउंड इस रोड के नीचे से पैदल जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ होता है दैट इज पेडेस्ट्रियन टनल। देखी है ऐसी कभी किसी ने? रोड के अंडरग्राउंड पैदल जाने के लिए जो टनल बनी हुई होती है सिर्फ एक साइड रोड की एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए, ये आपको दिल्ली में कॉमनली दिखेगी पेडेस्ट्रियन टनल्स। हाँ जी, सुन रहे हो कि नहीं कि सो गए सारे? यस मैम। क्या सो गए इसलिए यस बोल रहे हो? नो मैम। नहीं मैम, सॉरी नहीं मैम। ग्रेड सेपरेटर भी इसी का एग्जांपल हो जाएगा मैम। हाँ बच्चे, पर वो बच्चे ग्रेड सेपरेटर में क्या होता है रजत, जो उसमें क्या था जो हमने स्टडी किया था ग्रेड सेपरेटर में, ब्रिज की बात करी थी, ठीक है, इसमें ये अंडरग्राउंड है, दिस विल बी पेडेस्ट्रियन टनल। ग्रेड सेपरेटर वुड बी लाइक कि सरफेस से बात कर रहे हो कि एक ये ग्राउंड लेवल हो गया, ग्राउंड लेवल के ऊपर से एक है और एक थोड़ा और उसके ऊपर से हमने फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने वो ब्रिज और उसका किया था रेलवे ब्रिज का, उसमें ऊपर से टॉप से जा रहा था रेलवे, ठीक है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर हमारी रोड थी इस तरह से, ठीक है, तो वो ग्रेड सेपरेटर हो गया, ठीक है, लेकिन ये अंडरग्राउंड है तो इसलिए इसको पेडेस्ट्रियन टनल, नो डाउट इसमें लेवल का फर्क है लेकिन यू कांट स्पेसिफिकली कॉल्ड इट अ ग्रेड सेपरेटर, लेकिन ये अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन है, लेवल अंडरग्राउंड है, जो ग्रेड सेपरेटर की बात होती है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात होती है, नो डाउट इसमें लेवल तो ऑब्वियसली डिफरेंस है, लेकिन पेडेस्ट्रियन टनल देखी है किसी ने? दिल्ली कोई गया किसी ने यूटिलाइज करी हो? चलो जब कभी जाओगे तो इसको जरूर यूज करके फिर देखना, आपको समझ आएगा। कहने का मतलब ऐसा है कि ये अगर आपका मेन रूट है इस तरह से, अगर मान लो ये मेन रूट जा रहा है, ठीक है, ये आपकी मेन रोड हो गई, तो वहां पे क्या होता है कि ये सरफेस लेवल है ये वाला जो रोड पे, तो यहाँ पे अंडरग्राउंड यहाँ से स्टेयर्स जा रही होती है इधर, ठीक है, इधर स्टेयर्स होती है, तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में बेसिकली आपको ये नीचे दिखेगा, यहाँ से एक अंडरग्राउंड नीचे ग्राउंड सरफेस के नीचे से और यहाँ पे ऊपर बाहर को दोबारा स्टेयर्स निकल रही होती हैं जो आपको एक साइड से दूसरी रोड को अगर क्रॉस करना, मतलब ये ओवरब्रिज नहीं होता, ये अंडरग्राउंड ग्राउंड लेवल से नीचे कंस्ट्रक्ट करी हुई होती है, ठीक है, दैट इज पेडेस्ट्रियन टनल। चलिए नेक्स्ट, अगर शेप ऑफ टनल की बात करें रजे, हमारे पास काफी सारी शेप्स होती है टनल की, सेगमेंटल शेप, हॉर्स शू शेप होती है, ठीक है, एग टाइप शेप होती है, एलिप्टिकल शेप होती है, रेक्टेंगुलर होती है, सर्कुलर होती है, और सबका अपना अपना पर्पस होता है, ठीक है। अब अगर बात करें टनल्स की शेप्स की, तो जो सबसे पहले जो हम बात करें सेगमेंटल और डी शेप, जरा यहाँ पे देख लीजिएगा, डी शेप जैसे कि नाम से क्लियर है डी की तरह, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा इस तरह की इसकी वर्टिकल वॉल्स होती हैं, ऊपर इसका यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कुलर शेप सेगमेंटल शेप होती है, ठीक है, नॉर्मल इसका सरफेस इस तरह से होता है, ठीक है, तो ये किस तरह की डी की तरह है ना, डी हमारा ऐसे होता है तो ये डी की तरह ही है, यहाँ पे इसका सेंटर इधर होता है, ऊपर वाले का रेडियस आर होता है, दिस इज अ सेंटर, ठीक है। अब जब भी कंस्ट्रक्शन होती है ना टनल की, ये तो सेक्शन बना रखा है टनल का, डी शेप टनल का मतलब जब हमने रास्ता बनाया मतलब उसमें हमने जो एंट्री पॉइंट बनाया है इस तरह से डी शेप में, तो ये क्या होती है, जो ये बाहर वाली लाइन होती है दैट इज एक्सकवेशन लाइन, जो हमने ब्लास्टिंग वगैरह करके जो मटेरियल उस पहाड़ में से बाहर निकाला, तो जो बिल्कुल बाहर वाली लाइन होती है दैट इज एक्सकवेटिंग लाइन, मतलब जो हमने एकदम जो उसका बाहर का जो शेप बनाया था सबसे पहले दैट इज एक्सकवेटिंग लाइन। देन हम सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं उसको थोड़ा स्मूथ सरफेस बनाने के लिए, उस जो यहाँ पे मान लो ये आपका ये वाला क्या हो जाएगा, ये आपका अगर माउंटेन है तो ये माउंटेन लाइनिंग कह सकते हैं एक्सकवेट, जो आपने एकदम एक्सकवेट करी, देन आपने उसके वहां पे सीमेंट ग्राउटिंग करके उसको स्मूथ सरफेस प्रोवाइड किया, देन उसके ऊपर हम लोग कंक्रीट की लाइनिंग करते हैं एकदम उसको शेप प्रोवाइड करने के लिए जो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीजें कंक्रीट लाइनिंग, सीमेंट ग्राउटिंग एंड एक्सकवेशन लाइन, ये हर सेक्शन के वहां पे आपको ये दिखेंगी जब भी बनाते हैं, सबसे पहले एक शेप बनती है, देन उसके बाद हम सीमेंट ग्राउटिंग करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कंक्रीट लाइनिंग प्रोवाइड करते हैं। अब ये वाली कहाँ पे किस पर्पस के लिए यूज होती है, ये शेप्स मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगी, पॉइंट्स में आपको इसमें से कराऊंगी, देखिए
जो ये डी शेप है ये कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज होती है, यूज फॉर ट्रैफिक, ठीक है, किस पर्पज के लिए यूज होती है, ट्रैफिक के लिए यूज होती है, नेविगेशन टनल के लिए यूज होती है, नेविगेशन टनल अभी मैंने आपको दिखाई, ठीक है, और इस तरह की जो टनल की कंस्ट्रक्शन होती है वो काफी इजी होती है, लेकिन इस तरह की जो टनल में बस एक हमें ये होता है कि जो ये जो लाइनिंग है ना, जो कंक्रीट लाइनिंग है उसका सरफेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, इसकी ज्यादा हम लोगों को लाइनिंग करनी रहती है इस एरिया, इस तरह के सेक्शन में, और जहां पे सॉफ्ट रॉक है, अगर ये सॉफ्ट रॉक के अंदर जो यहाँ पे जो रॉक है वो थोड़ा सॉफ्ट है, वहां पे इस तरह की जो शेप हम कंस्ट्रक्शन होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज कि सॉफ्ट रॉक में इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरी शेप की बात करें, दैट इज हॉर्स शू शेप, जैसे हॉर्स के पैर का शेप होते हैं ना, इस तरह से इसको हॉर्स शू शेप बोला गया है, ठीक है। अगेन आपको यहाँ पे एक्सकवेशन लाइन दिख रही होगी, सीमेंट ग्राउटिंग लाइन दिख रही होगी, यहाँ पे कंक्रीट लाइनिंग दिख रही होगी। जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा सेंटर होता है ना, दो सेंटर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे, इसके अंदर डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, वैसे इतना सेक्शन आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर्स वेरी करते हैं, इनका रेडियस भी वेरी करता है, फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो एक तो सेंटर पॉइंट ये हो गया, देन वो सिर्फ इतनी इसके लिए है, देन यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो आपका है, ठीक है, यहाँ पे C4 दिख रहा होगा, सेंटर एक अलग से बना हुआ, वहां से डिस्टेंस अलग, इधर से डिस्टेंस अलग, तो इसका जो सेक्शन मतलब इसका जो सेंटर होता है वो कॉमन नहीं होता, लेकिन हाँ सेंटर से लेकर यहाँ तक अगर देखोगे सर्टन डिस्टेंस तक वहां पे सेम रहता है, ठीक है। तो हॉर्स शू शेप की अगर हम बात करें, ये काफी पॉपुलर है, ये इस तरह की शेप जो होती है टनल की, ठीक है, जो इसका बॉटम होता है, अगेन यहाँ पे आप देखोगे साइड्स क्या है, जो डी शेप में जो था उसकी साइड्स कैसी थी, एकदम वर्टिकल थी। आप इसमें क्या देख रहे हो, इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी है, कर्व्ड है, हॉर्स शेप में इसकी जो साइड्स हैं वो कैसी है, कर्व है। साइड्स कर्व होने की वजह से यहाँ पे जो एरिया है इसका, जो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया अंदर जो स्पेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इजिली इसमें से रोड ट्रैफिक, रेलवे ट्रैफिक बड़े आराम से निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शेप तो देखी हमने हॉर्स शू शेप की टनल की, इसके बारे में पॉइंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं जो हमें करने हैं, देखो कहाँ पे यूज होता है, वाटर टनल्स में भी यूज हो सकता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कुलर एंड डी शेप, थोड़ी सी सर्कुलर भी है और डी शेप का भी कॉम्बिनेशन है, जहां पे सॉफ्ट ग्राउंड होता है वहां पे ये सूटेबल होती है, ठीक है। हॉर्स शू शेप जहां पे सॉफ्ट ग्राउंड होता है वहां पे ये थोड़ी सी सूटेबल होती है, और इसका पॉइंट और क्या है, ट्रैफिक कैरी करने के लिए भी सूटेबल होती है, क्योंकि जो अंदर इसका सॉरी यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो इस तरह की जो टनल्स होती हैं इसमें ट्रैफिक इजीली, क्योंकि जो इसका यहाँ पे जो एरिया होता है वो अंदर सेक्शनल एरिया जो होता है काफी बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे कर्व्ड साइड्स है, यहाँ पे वर्टिकल साइड्स थी, ठीक है, यहाँ पे कर्व्ड साइड्स है, ठीक है। तो ये ट्रैफिक टनल के लिए भी कॉमनली यूज करी जाती है काफी कंट्रीज में। नेक्स्ट हमारे पास आती है एग टाइप शेप, जैसे अंडा होता है वैसी सी शेप होती है, इसलिए इसका नाम एग टाइप शेप रखा हुआ है। अब एग टाइप शेप की भी अगर बात करो, अगेन यहाँ पे भी काफी सारे सेंटर्स होते हैं, एक तो सेंटर पॉइंट ये हो गया, एक सेंटर पॉइंट ये हो गया, यहाँ वाले का अगर आर डिस्टेंस है तो इसके लिए यहाँ पे ट्वाइस आर रहता है रेडियस, ठीक है, बिल्कुल एग जैसे इसकी शेप होती है। आउटर वाली लाइन अगेन एक्सकवेशन लाइन, बच्चे प्लीज म्यूट कीजिए अपने आप को, साहिल बच्चे म्यूट कीजिए अपने आप को, मेरे से इधर से हो नहीं रहा नहीं तो मैं खुद ही कर देती आपको, आई डोंट नो आई एम क्लिकिंग इवन देन आल्सो। हाँ जी, अब अगर एग टाइप शेप की बात करें तो रजे एग टाइप में इसका जो टॉप सरफेस होता है वहां का क्रॉस सेक्शन ज्यादा एरिया होता है, नीचे वाले का जो एरिया होता है वो रिड्यूस होता है क्रॉस सेक्शन एरिया का, ठीक है। तो ये सिंपल शेप के ऊपर इसका नाम एग टाइप शेप दे रखा है। अब अगर इसके पॉइंट्स देखें एग टाइप शेप के, इसमें क्या है, ये कहाँ पे यूज होती है, सीवियर लाइन्स जहाँ पे होती है ना,
वहां पे जो टनल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है वहां पे आप इस तरह की यूज करते हो, ठीक है। मेंटेन सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, जो यहाँ पे इसका क्या होता है, जो आप ये देख रहे हो नीचे वाला जो सेक्शन है, ये एरिया रिड्यूस हो जाता है। जब ये एरिया रिड्यूस होता है यहाँ पे सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, पानी काफी स्पीड से निकलता है। क्यों इतना? क्योंकि हमने एरिया यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, तो काफी हाई वेलोसिटी से पानी यहाँ से निकलेगा और ये खुद ही जो भी गंद होता है ना सीवियर में, वो खुद ही उसको खुद ही क्लीन करता है, वो आगे ले जाता है, ठीक है। अगर यही अगर इसका एरिया नीचे से बड़ा होता तो वहीं का वहीं जो सीवियर का वेस्ट है इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि उसका एरिया बढ़ गया ना, तो इतनी वेलोसिटी से पानी नहीं जाएगा। तो इस केसेस में सीवियर में जहाँ पे हमें ये सेक्शन हम इसका थोड़ा कम प्रोवाइड करते हैं, ताकि सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी से पानी हमारा यहाँ से जो वेस्ट वाटर है वो यहाँ से निकल जाए, ठीक है। अब और इसका क्या फायदा होता है, जब ये वाला जो सेक्शन जहाँ पे ये क्या करता है, इसकी कैपेबिलिटी होती है इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है उसको काफी अच्छे से रिजिस्ट कर पाती है ये वाली जो शेप होती है, क्योंकि पानी इसमें से जा रहा है तो पानी का प्रेशर भी होता है काफी। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है इन इसकी वॉल्स के ऊपर और जो बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये उसको अच्छे से रिजिस्ट कर पाती है। डिसएडवांटेज, ऑब्वियसली इस तरह के सेक्शन को आप लोग ट्रैफिक पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज होएगा, जहाँ पे आपको पानी कैरी करना है या फिर आपको सीवियर वेस्ट कैरी करना है, वहां पे इस तरह का सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट रेक्टेंगुलर शेप भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो रेक्टेंगुलर शेप कहाँ पे यूज होती है, जो पेडेस्ट्रियन टनल, जहाँ पे जो लोग ट्रैवल करते हैं, जो अंडरग्राउंड टनल सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए, एक जगह से दूसरी, एक रोड से दूसरी साइड रोड की अगर जाना हो ना, तो अंडरग्राउंड प्रोवाइड कर देते हैं, वो पेडेस्ट्रियन टनल की जो शेप होती है वो इस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये सिर्फ आपको अंडरग्राउंड लोगों के उसमें ही, एक जगह से दूसरी रोड की साइड में जाने के लिए ही मिलेगी, ठीक है। ये भी अगेन ट्रैफिक पर्पस के लिए नहीं यूटिलाइज होती है, सिर्फ पेडेस्ट्रियन पैदल जाने के लिए ही यूटिलाइज करी जाती है। नेक्स्ट शेप देखते हैं, इलिप्टिकल शेप्ड सेक्शन। इलिप्टिकल थोड़ा सा ऐसे, इलिप्टिकल शेप आप सबको पता ही है, ठीक है। इस तरह की जो शेप होती है दैट इज इलिप्टिकल शेप। ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है। अगेन इसमें ये कहाँ पे सूटेबल होती है, जहाँ पे सॉफ्टर मटेरियल होता है, जो बाहर का एक्सटर्नल मटेरियल जिसके अंदर से ये टनल बनाई जा रही है, ठीक है, वो सॉफ्ट मटीरियल है, वहां पे ये वाला शेप प्रोवाइड किया जाता है। लिखा ही हुआ है कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे सॉफ्टर मटेरियल होता है। मेजर एक्सिस ऑफ दिस टनल इज कैप्ट वर्टिकल, जो भी दिखाई मेजर एक्सिस आपकी वर्टिकल थी, इस तरह की शेप इलिप्टिकल, तो मेजर एक्सिस हमारी वर्टिकल होती है फॉर बेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल प्रेशर। जैसे भी इसमें जो, इसमें जो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर है उसको काफी अच्छे से रेजिस्ट कर पाती है। और ये वाली कहाँ पे शेप यूटिलाइज होती है, जहाँ पे हमें पानी वाटर को कैरी करना होता है, ठीक है, वहां पे ये इलिप्टिकल शेप यूटिलाइज होती है। रेक्टेंगुलर अभी डिस्कस कर ही लिया है। रेक्टेंगुलर वाली जो होती है हमारी नॉर्मल आरसीसी की जैसे स्लैब्स होती है ना, वैसे बनती हैं, ठीक है। और ये प्री कंस्ट्रक्टेड भी हमारे पास होती है, प्री कंस्ट्रक्टेड आरसीसी कैसन्स आर यूज फॉर टनल्स, ठीक है। द टनल्स ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन आर स्मॉल डेप्थ, जो इनकी डेप्थ होती है काफी स्मॉल होती है। आज की डेट में ये ट्रैफिक पर्पज के लिए तो कहीं नहीं यूज होती है, सिर्फ और सिर्फ पेडेस्ट्रियन पर्पज के लिए ही यूटिलाइज किया जाता है इसको। नेक्स्ट हमारे पास एक और सेक्शन आता है, दैट इज सर्कुलर शेप। अगेन नाम से क्लियर है, जो सर्कुलर शेप में है, ठीक है। ये वाली जो, अगेन ये ट्रैफिक के लिए तो नहीं सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि इसका बेस फ्लैट नहीं है, सर्कुलर शेप है, बिकॉज दे रिक्वायर मोर फिलिंग टू फॉर्म द फ्लैट बेस फॉर रोड और रेलवे रूट, क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी फिलिंग करनी पड़ेगी अगर इसको फ्लैट सरफेस देना रहेगा। दीज टनल्स प्रोवाइड द ग्रेटेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर द लीस्ट पेरीमीटर। लीस्ट पेरीमीटर के लिए, जिसका अंदर जो एरिया है वो काफी ज्यादा होता है। सर्कुलर शेप इज ऑल्सो इम्प्लॉयड फॉर इन सॉफ्ट टनलिंग, जहाँ पे अगेन जहाँ पे सॉफ्ट टनलिंग, यहाँ पे सॉफ्ट सर्फेस हो एक्सटीरियर वाला, वहां पे इसको यूटिलाइज किया जाता है। बस डिसएडवांटेज ये है, ट्रैफिक पर्पज के लिए इसको नहीं यूज कर सकते हैं, एंड अगर करनी भी पड़ जाए तो काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पे नीचे फ्लैट सरफेस पूरी लेंथ पे प्रोवाइड करना रह जाएगा, तो नॉट सूटेबल, ठीक है। क्लियर है सेक्शंस? यस मैम, क्लियर है। काफी इजी चैप्टर है, कुछ वेरी थ्योरी थ्योरी है इसमें ज्यादा, ठीक है, इसमें ज्यादा समझने वाला भी नहीं है। नेक्स्ट, ये चीज बड़ा ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में सीधा ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ टिपिकल सेक्शन ऑफ टनल फॉर NH नेशनल हाईवे फॉर सिंगल एंड डबल ब्रॉडगेज रेलवे ट्रैक। देखो क्वेश्चन बड़ा वो इंपॉर्टेंट है, ये सीधा आपको क्वेश्चन में, पता क्या गिवन होगा कि आपको सेक्शन बनाना है टनल का, या तो बीच में सिंगल रेलवे ट्रैक है या डबल रेलवे ट्रैक है,
सिंगल रेलवे ट्रैक में भी आपको गिवन होगा, आपको ब्रॉड गेज लेकर बनाना है, नैरो गेज लेकर बनाना है, तो ध्यान रखना है। अगर ब्रॉड गेज का सेक्शन बना रहे हो तो जो आपका गेज है दो रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है ब्रॉड गेज वाला लेना है, नैरो गेज वाला नैरो गेज वाला लेना है, मीटर गेज तो मीटर गेज, मतलब अगर मीटर गेज है तो 1 मीटर बीच में डिस्टेंस शो करना है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, सिंगल लाइन मतलब सिंगल ट्रैक, डबल लाइन मतलब एक ट्रैक इधर और एक ट्रैक इधर, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है सेक्शन बनाने के लिए। और डायमेंशन का ध्यान रखना है, ये सीधा 10 नंबर का क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चन, जो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स तो हमने सेक्शन की पढ़ी पड़ी, लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि नेशनल हाईवे के लिए सिंगल और डबल ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक बनाना, तो क्वेश्चन को समझना है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इन्होंने क्या देखा है, टिपिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ नेशनल हाईवे का दे रखा है, ठीक है। तो अब जब हम टनल्स, बच्चे जब देखोगे ना टनल्स एक्चुअल में क्या होती है, इनमें ना ये चीजें आपको शो करनी रहती है। एक्सकवेशन लाइन जो आपने इनिशियली एक्सकवेट करा टनल का सेक्शन, देन सीमेंट ग्राउटिंग, कॉन्क्रीट लाइनिंग, ये तो क्लियर है। देन ये ध्यान से देखो, टनल्स में ना क्या होता है, वेंटिलेटर्स बने हुए होते हैं, ऑब्वियसली एकदम कवर्ड सेक्शन होता है, तो हमें यहाँ पे इतना पॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पे बीच में क्या होता है, वेंटिलेशन प्रोवाइड किए होते हैं। तो 2.85 तक डेप्थ तक, 8 मीटर तक, यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश डक्ट का सेक्शन प्रोवाइड किया होता है, और जो हमारी एग्जॉस्टेड एयर होती है जो पॉल्यूशन की वजह से, उसके लिए 1.8 की डायमेंशन है, ठीक है। तो ये वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन अगला चैप्टर है, उसमें ये पूरा समझाऊंगी क्या है ये। तो ये वेंटिलेशन के लिए डक्ट बने हुए हैं कि एग्जॉस्ट एयर यहाँ से बाहर जाएगी, एंड ये फ्रेश एयर डक्ट बना हुआ होता है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे पोर्ट्स बने होते हैं, एग्जॉस्ट पोर्ट बना होता है, यहाँ से जो आपकी एग्जॉस्टेड एयर इसमें ट्रांसफर होती है, फ्रेश एयर फ्लूज, यहाँ पे इन्होंने शो नहीं कर रखा है, यहाँ पे एयर फ्लूज साइड में ऐसे करके फ्रेश एयर के लिए यहाँ पे कट्स बने होते हैं, पाइप्स लगी हुई होती है साइडों पे। इसका सेक्शन मैं आपको प्रॉपरली जो एक्चुअल में कैसे होता है वो दिखा दूंगी। एंड अगर ये नेशनल हाईवे का दिखाया हुआ है तो ये आपने इसकी रोड विड्थ प्रॉपर शो करनी है, साइडिंग शो करनी है, जैसे यहाँ पे शो कर रखी है 0.5, ठीक है, एंड ओवरऑल कितना यहाँ पे 12.5, ऑल डायमेंशन जितनी भी है सारी मीटर में है डायमेंशन। तो इस तरह का सेक्शन आपको बनाना रहेगा, ये तो नेशनल हाईवे का हो गया, ठीक है। डायमेंशन इस हिसाब से आप अभी हाईवे कर रहे होगे तो हाईवे के सेक्शन में जो भी नेशनल हाईवे की जो भी आप साइडिंग वगैरह, तो टनल में भी आपको वो सारी चीजें शो करनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर रेलवे सेक्शन है, सिंगल लाइन है, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है ब्रॉड गेज शो करना है रेलवे ट्रैक का, नैरो गेज शो करना है, तो उस हिसाब से ये वाला रेल गेज यहाँ पे शो कर देना। जैसे ये ब्रॉड गेज का है तो यहाँ पे ब्रॉड गेज शो कर रखा है बीच में, ठीक है। देन अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको कौन सा सेक्शन शो करना है, जैसे ये वाला है, ये आपका जो टनल का सेक्शन है, ठीक है, इस तरह से ये डी शेप में, अगर अगर बोल दिया कि हॉर्स शू शेप में, तो बाहर से जो आपने शेप बनानी है हॉर्स शू शेप बनानी है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना रहेगा कौन सा सेक्शन है, ठीक है। देन अगेन इसका सेंटर शो करके 2.5 मीटर, ये सारी ये स्टैंडर्ड है ये हमारे पास डायमेंशंस, तो ये आपने शो करनी है। तो ये आप यहाँ देख रहे होंगे, ये जो यहाँ पे स्पीपर के यहाँ से टॉप से 7 मीटर तक ऊपर यहाँ पे इस लाइन तक कॉन्क्रीट लाइनिंग तक कितना होना चाहिए, ठीक है। साइडों पे यहाँ पे वीप होल्स बनाए हुए हैं, और आपको ये सारा ये शो करना है, ये जो टाइल्स यहाँ पे लगी हुई होती है, ठीक है, इनकी डायमेंशन, ये स्लैब कितनी थिक है, 30 mm जो नीचे ये प्रोवाइड करी हुई है, RCC स्लैब बना रखी है, ठीक है यहाँ पे, और ये नीचे आपका ब्लास्ट शो करा हुआ है प्रॉपर। तो ये सारी चीजें आपको शो करनी है। अब अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको टनल सेक्शन बनाना है लेकिन डबल लाइन है, तो क्या कर दोगे, बस बीच में डबल ट्रैक शो कर दोगे, और गेजेस का ध्यान रखना कि गेज कौन से गिवन है। जैसे कि अगर इसकी बात करूं, ये आपका जैसे यहाँ पे दे रखा है डबल लाइन ट्रैक का सेक्शन, तो यहाँ पे ध्यान रखना डबल लाइन ट्रैक सेक्शन जब आता है, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक के बीच का जो सेंटर डिस्टेंस होता है स्टैंडर्ड 4.3 मीटर रखना होता है। एंड अगेन जो ये यहाँ पे बीच में है, इसका यहाँ पे यहाँ से लेकर इसका ऊपर टॉप सरफेस तक का 7.5 सेक्शन जो यहाँ पे इसका रहेगा, दैट इज 10 मीटर रहेगा। एंड अगेन यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ब्रॉड गेज शो करना है नैरो गेज, उस हिसाब से यहाँ पे बीच में गेजेस दिखाने होते हैं, ठीक है। तो ये सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अपना स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडे लेक्चर। किसी को कुछ पूछना है, बोलिए। नो मैम, सीमेंट ग्राउटिंग में स्लरी होता है वो? हाँ, सीमेंट स्लरी। आई होप ग्राउटिंग सबको पता है क्या होती है। Mm-hmm.
थैंक यू बच्चे, मैं ये पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो अपना प्रिपेयर कर दे।